भाजपा वाला खुद हम देख रहे हैं तो अफजाल अंसारी के साथ घूम रहे हैं, अफजाल अंसारी का वोट मांग रहे हैं, क्यों ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे भाजपा वाले आकर आपसे पूछने लगेंगे कौन घूम रहा है। भाजपा वाले पूछेंगे तो भाजपा वाले को हम बता देंगे कि देखिए फलाना फलाना घूम रहे हैं, सनातन सनातन बोल रही है, सनातन धर्म में भी सनातन भारी है, जीत का अंतर बड़ा हो यह मुस्लिमों की जिम्मेदारी है। ख्याल कर, समाज पार्टी से भी जो है कि कैंडिडेट उतार दिया गया तो उनके साथ दलित नहीं रहेगा? जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं उनका कभी देखे हैं चेहरा आप? कोई नहीं देखा है, ऐसे पता नहीं है। वो तो बेचारा रिटायर होकर के आया हाउस से और जा करके सोनभद्र में बेचारा रहता था, पता नहीं कि उसको वही मिल गया बलि का बकरा बनाने के लिए। हो सकता तो ऐसे कह रहे हैं कि जो है कि किसी को उठाकर वो दे दिए जबरदस्ती, भैया हमारे जितिया बचा लीजिए मायावती जी, ऐसा कह रही हुए बात ना कि और ही कहा राशन के पूछा था जो 5 किलो राशन पूछे के बाद कि सनातन पंडित जी के जीता के जो लोकसभा में भेजे के बाद जाके वो जो बात जनता का आवाज़ उठाइए, 5 किलो राशन से काम चले वाला बा है? एक गरीब ब्राह्मण जो है दर दर भटक रहा है। प्रधानमंत्री के लड़के से लड़ेंगे विधायक जी, आज हम बलिया में हैं और बलिया में दो सम्मानित लोग मौजूद हैं हमारे साथ और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बलिया में किसका माहौल है, क्या लगता है ब्राह्मण समाज है ये सनातन पांडे के साथ है या जो है कि नीरज शेखर यानी कि प्रधानमंत्री के लड़के जो हैं उनके साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है। हम लाल बाबू पांडे बोल रहे हैं। बलिया में हर ब्राह्मण लोग अगले चुनाव को देख करके जो काउंटिंग में जो कुछ समानतावादी लोग सनातन पांडे को मार भी दिए, चुनाव जीत गए थे, हम लोग बाहर थे, ये आवाज़ आया कि नहीं चुनाव जीत गए हैं, सब लोग तैयारी में जीत की खुशी में हो गए और उसके बाद उनको मार करके मार दिया गया, शीशा गाड़ी का तोड़ दिया गया और इसी को देखते हुए हर कास्ट मतलब ब्राह्मण लोग जितने हैं परसेंटेज में उतने ब्राह्मण लोग भले ही भाजपा के हों लेकिन उस बार का देख करके सब लोग इस बार सनातन पांडे के साथ हैं और सनातन पांडे अच्छी छवि के हैं, ईमानदार नेता हैं, इसीलिए सब लोग लगे हैं उनपे तो, और आखिरी चुनाव है उनका, इसके बाद चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का नारा देती है और कहती है कि मैं हिंदू समाज को जो है कि बचाने का काम करता हूँ, तो वो कहती है कि ब्राह्मण और ठाकुर हमारे रीढ़ के हड्डी हैं, तो बलिया में वो रीढ़ दिखाई नहीं दे रहा है और आप लोग जो है कि सपा पार्टी की तरफ झुकाव आप लोग कर रहे हैं, ये क्या मामला है? ब्राह्मण को भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए? कोई ज़रूरी थोड़ा है कि जो जितने ब्राह्मण हैं सब भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हिंदुत्व तो का नारा देती है उसके बाद तो राम मंदिर बनवा दिए, इसके पहले हिंदुत्व तो नहीं था का? इसके पहले भी तो हिंदुत्व तो था कि अब नया में हिंदुत्व तो अलग से बनेगा? राम मंदिर से कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है, राम मंदिर सबके हैं। अभी कांग्रेस की सरकार रही होती और कोर्ट से फैसला हुआ होता तो नहीं बनवाई होती, वो अभी बनवाई होती। अच्छा एक बात बताइए, बलिया में तो मान लीजिए सनातन पांडे हैं, उनके वजह से आप हो सकता है कि उनके साथ होंगे, ऐसा ही है, और गाजीपुर की हम बात करें तो क्या ब्राह्मण समाज अफजाल अंसारी के साथ रहेगा या जो है कि उमेश सिंह के साथ रहेगा, कुछ ऐसा है? देखिए बेरोजगारी इस तरह का हो गया है, इस तरह का समस्या लोगों के सामने हो गया है कि सब लोग चाह रहे हैं कि सरकार को चेंज किया जाए। यानी कि अफजाल अंसारी के साथ ब्राह्मण समाज है? हाँ रहेंगे। इस बार आप लोग ठान लिए हैं और खूंटा गाड़ देंगे जो है कि इस सनातन पार्टी का? इस बार अगले बार उनको मारा गया, उनको बेइज्जत किया गया, उसका जवाब देना, और मार करके नहीं वोट दे करके। चलिए भैया वोट दे कर ये लोग जो है कि जवाब देंगे सरकार को। क्या नाम है आपका? रामदास यादव, सदस्य प्रदेश कार्य समिति समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। क्या लगता है बलिया को किस तरह किस नज़रिए से आप देखते हैं? बलिया वीरों की धरती रही है, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। इस बार बलिया जो है फैसला लेने जा रहा है, बलिया की जनता फैसला लेने जा रही है और जहाँ जाइए दीवार बोल रही है, तस्वीर बोल रही है, लड़का बोल रहा है, नौजवान बोल रहा है, बूढ़ा बोल रहा है, औरतें बोल रही हैं, बच्चियां बोल रही हैं, श्री सनातन पांडे आ रहे हैं, श्री सनातन पांडे आ रहे हैं, रोकने क्या, वाला क्या, कोई नहीं। क्या खूबी है सनातन पांडे में कि जो है कि उनके तरफ सबका झुकाव है? सनातन पांडे जो है स्वच्छ छवि के हैं, ईमानदार हैं,
अच्छे व्यक्ति हैं और अगली बार जो है वह चुनाव जीते थे उनको जबरदस्ती हराया गया, प्रमाण पत्र किसी को दिया गया, इसलिए लड़ाई जो है न्याय और अन्याय की है। न्याय की लड़ाई जो है, न्याय की भीख मांग रहे हैं सनातन पांडे पूरे बलिया लोकसभा में, और आज जो है उनको न्याय की भीख देने के लिए पूरी जनता जो है उनके साथ लामबंद होकर के खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। 5 किलो राशन का कोई प्रभाव नहीं है? 5 किलो राशन के पूछा था, जब 5 किलो राशन पूछे के बाद सनातन पंडित जी के जीता के जब लोकसभा में भेजे के बाद जाके वो जो बात उन जनता का आवाज़ उठाइए, 5 किलो राशन से काम चले वाला बा है? एक गरीब ब्राह्मण जो है दर दर भटक रहा है, जानते हैं? अभी आप लाल बाबू पांडे जी से बोल रहे थे कि हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व की बात, जानते हैं गौ ब्राह्मण धर्म की रक्षा कौन किया है? गौ ब्राह्मण धर्म तीनों की रक्षा यादव किया है, और आज जो है ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए यादव, पिछड़ा वर्ग, दलित, मुस्लिम सब तैयार है, और सनातन पांडे को ताज बांध करके दिल्ली के दिल्ली में भेजेंगे हम लोग। यानी कि बहुजन समाज पार्टी से भी जो है कि कैंडिडेट उतार दिया गया, तो उनके साथ दलित नहीं रहेगा? जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं उनका कभी देखे हैं चेहरा आप? कोई नहीं देखा है, पता नहीं है। वो तो बेचारा रिटायर होकर के आया हौ से और जाकर के सोनभद्र में बेचारा रहता था, पता नहीं कि उसको वही मिल गया बलि का बकरा बनाने के लिए। हो सकता तो ऐसे कह रहे हैं कि जो है कि किसी को उठाकर वो दे दिए जबरदस्ती, भैया हमारा जितिया बचा लीजिए मायावती जी, ऐसा कह रही वो बात ना कि और ही कहा। हाँ और क्या है, वही बात है, कोई उनका नाम ले रहा है? आप बलिया में जाते होंगे, आप लोग तो भाई चैनल वाले हैं, आप लोग तो हर जगह जाते होंगे, हर जाति में, हर धर्म में, हर वर्ग में, हर गाँव में, हर घर में जाते होंगे, कहीं सुन रहे हैं उनका नाम कहीं? कुछ नहीं। वो तो 40 का आंकड़ा दे रही हैं, 20-20 का आंकड़ा जो है कि 20 मुसलमानों का और 20 दलितों का जो है मिलाकर उस जिस 3 बार मुख्यमंत्री बनी है, तो उसी का आंकड़ा जो है कि इस बार भी वो देख रही हैं, वही आंकड़ा लेकर चल रही हैं। अरे यार, कहने से नहीं ना होगा, जनता देख रहे हो कि यहाँ सनातन सनातन बोल रही है। हाँ, सनातन धर्म में भी सनातन भारी हैं, जीत का अंतर बड़ा हो या मुस्लिमों की जिम्मेदारी है, ख्याल कर लो। चलिए भैया, यानी कि मुसलमान जो है उनके ऊपर आप जो है कि टारगेट दे रहे हैं कि आप इनको जिताइए और आप ही के नेता हैं। देखिए, मुसलमान तो समाजवादी है ही है, समाजवादी पार्टी के साथ में है, और सनातन बाबा मिल गए हैं तो सोना में और सुहागा हो गया है। इस बार चुनाव जो है एक तरफा हो गया है, यहाँ नीरज जी को भी पता चल जाएगा कि मैं भूल किया भाजपा में जाकर के। हमको नहीं जाना चाहिए, जिस धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने नीरज शेखर जी को सम्मान दिया, उस सम्मान को नीरज शेखर ने ठुकरा करके चले गए। उनके पिताजी को भी माननीय मुलायम सिंह जी ने सम्मान दिया था, लेकिन उस सम्मान को ठुकरा दिए। आज जनता के बीच में आए हैं, समझ में आ जाएगा कि सम्मान को, किसी धरती पुत्र के सम्मान को ठुकराने का क्या मतलब होता है, उनको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बार और हम जो है कि थोड़ा सा बलिया से हटकर गाजीपुर ले लिया जाए, सटा हुआ है बलिया से, तो गाजीपुर में क्या मुख्तार अंसारी जी तो अब नहीं रहे हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी के मरने के बाद अफजल अंसारी के ऊपर उनके भावनाओं में कह रहे हैं लोग चढ़ेगा, वोट चढ़ेगा, तो क्या लगता है सही बात है ये? अरे यार, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है, भाजपा वाले खुद हम देख रहे हैं तो अफजल अंसारी के साथ घूम रहे हैं, अफजल अंसारी का वोट मांग रहे हैं, क्यों ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे, भाजपा वाले आकर आपसे पूछने लगेंगे कौन घूम रहा है? भाजपा वाले पूछेंगे तो भाजपा वाले को हम बता देंगे कि देखिए फलाना फलाना घूम रहे हैं, हम तो बता ही देंगे। हाँ, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं, अभी भी खौफ है मुख्तार अंसारी जी का जैसे पहले था कह रहे थे लोग? कोई खौफ वोफ नहीं है, देखिए यह चुनाव है, चुनाव में सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपने मन मिजाज से वोट देने जाएंगे, और कोई भी जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भी वोट देने जाएगा, और एक बार अपने सीने पर हाथ रखेगा तो उसकी बटन जो है साइकिल पर दबेगी। हाँ, अरे एक नेता थे मुंबई में, वो कह रहे थे कि सभी पार्टियां कहती है कि बटन दबाओ हमारे पे, हमें जिताओ, और कोई दूसरी पार्टी आती है तो वो कहती है कि बटन दबाओ हमारे पे और हमें जिता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कोई बटन दबाओ मैं ही जीतूंगा। ये तो आप सही कह रहे हो, लेकिन एना पर उनका कौनो बटन दगी तो ना जीती है। हाँ, ना एना पर सही के लिए जीती, जनता एकदम तैयार बस सही के लिए जीती। यानी ईवीएम का खेल इस बार नहीं चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा,
चलिए साथियों, जो है कि जब ईवीएम से खेल होकर ये लोग कहते हैं कि ईवीएम से खेल हो गया और यहाँ पे ये लोग जीत गए और सरकार बना लिए, जब सरकार बन जाएगी तो इनसे फिर मैं बात करूँगा क्या ईवीएम का खेल इस बार था कि नहीं था। तो चलिए साथियों, जो कि जितने लोग बलिया और गाजीपुर, आजमगढ़, ये तमाम सारे जो पूर्वांचल के ज़िले हैं, ये इसमें किसका माहौल चल रहा है आप लोग बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे और पूरी जो पूर्वांचल है सब में जाकर हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं। आप भी देखिए हमारे चैनल को और देखते रहिए और मैं आपको दिखाता रहूँगा ग्राउंड रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।